तुर्क सदर का लाहौर में तारीखी इस्तकबाल, नहर किनारे चिराग़ा, लोक रक्स और आवाम की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। ग्रेटर इकबाल पार्क का इफ्तिताह, मेहमान सदर के एजाज में पुरतकल्लुफ अशाया। हुजूरी बाग में तुर्क सदर के एजाज में कल्चरल शो, गुलुकारा हदीका कियानी ने भी फन का मुजाहरा किया। दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, गोलन दहशतगर्द तंजीम है, बागियों को मगरिब असला दे रहा है, इंतहा पसंद तंजीमों का मिलकर मुकाबला करना होगा। तुर्क सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से खिताब, मसले कश्मीर अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने की हिमायत। जमहूरियत का बाद भी हमारे वतन के लिए वसीम मालिक खिदमत अदा करने वाले अब्दुल रहमान पेशावरी की तरह के मोहतरम पाकिस्तानी हीरों की मेहनत मशक्कत कार फरमा है। पार्लियामेंट में अब्दुल रहमान पेशावरी का जिक्र, वो कौन थे, कहां रहते थे? 24 न्यूज ने भतीजे को ढूंढ निकाला। चाचा तुर्की के नाम से मशहूर पाकिस्तानी शहरी 1912 में तुर्की गए और वहीं के होकर रह गए, वहीं सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मुस्लिम लीग नून तुर्क स्कूल बंद करने के दर पे, 2012 में शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में तुर्क स्कूलों के बानी फतहुल्लाह गोलन को पंजाब यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के एजाजी डिग्री भी दी थी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कुर्सी संभाल ली, पहली मर्तबा दफ्तर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, कहते हैं मौजूदा इख्तियारात में शहर के मसाइल हल नहीं हो सकते, शहर के हालात पर तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कराची की सेंट्रल जेल से रिहा, कारकुनों की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल, जियालों का डांस। सिन असेंबली में एमक्यूएम के लापता अफराद के लिए फिर आवाज उठा दी गई, निसार खोड़ों से खुरम शेर जमान और नुसरत सहर अबासी की नोकझोंक, ख्वाजा इजहार ने हुकूमत से यादगार शहदा पर जाने की तहरीरी इजाजत मांग ली। भारतीय फौज बाज नाए, भिंबर और करेला सेक्टर्स में फिर बिलाश्ताल फायरिंग, तोपखाने का भी इस्तेमाल, पाक फौज की तरफ से दुश्मन को भरपूर जवाब। आर्मी चीफ का गैर रस्मी गुफ्तगू में पुरअज़्म पैगाम, दिफा मजबूत है, भारतीय जाहिरियत पर परेशान होने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट हाउस में रशीद गोडेल की खैरियत दरियाफ्त की, सहाफियों ने सेल्फियां बनाई। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम की तकारीर का पोस्टमार्टम, चीफ जस्टिस ने कहा इल्जामात की तस्दीक तक सख्त फैसला नहीं दे सकते, तहरीक इंसाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत दे, पैरावा केस की जमानत 30 नवंबर को होगी। पहली मर्तबा चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत में जवाब दे है, बायकॉट तुर्क सदर का नहीं नवाज शरीफ का था, इमरान खान पैनामा लीक्स पर अहम सबूत इकट्ठे करने आज लंदन जाएंगे, शेख रशीद और नईमुल हक भी हमरा होंगे, शाह महमूद कुरैशी पहले ही लंदन में मौजूद। तहरीक इंसाफ का लीगल टीम की कारकर्दगी पर तश्वीश का इजहार, 3 सभाओं में वकला की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, रहनुमाओं ने तब्दीली का मशवरा दे दिया, इमरान खान ने तजवीज मुस्तरद कर दी, हामिद खान को पैरामा केस की भरपूर तैयारी की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गो निसार गो के बाद गो नवाज गो तहरीक का ऐलान कर दिया, कहते हैं 27 दिसंबर के बाद यू टर्न भी नहीं लेंगे। लाहौर में जहांगीर बदर के घर आकर अहले खाना से ताजियत, पार्टी का अजीम सरमाया करार दे दिया।
مکہ مکرمہ میں او آئی سی کا ہنگامی اجلاس، مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی بھی شرکت، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا، ترک وفد کا بھی جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ ایف سی اور حساس اداروں کی چمن کے جنگل پیر علی زئی میں کارروائی، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ روسی خاتون صحافی وائٹ ہاؤس میں روسی ترجمان بن گئی، نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ تلکرہ میں الزامات کے ثبوت مانگ لیے۔ کرائسٹ چرچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پہلے ٹیسٹ کا پہلا روز بارش کی نظر، ٹاس بھی نہ ہو سکا، آج دوسرے روز کا کھیل آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوگا، پاکستانی وقت کے مطابق رات 3 کی بجائے 2:30 بجے ٹیمیں میدان میں ہوں گی۔ امریکی ٹارگٹ کلر جنگل میں آنے والے افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا، دہشت سے بھرپور نئی فلم ٹینک 432 کا نیا ٹریلر جاری، فلم 25 نومبر کو ریلیز ہوگی۔ موسم سرما میں رسیلے کینو قدرت کا بہترین تحفہ، ذائقے میں بھی اپنی مثال آپ، موسمی بیماریوں سے بھی نمٹنے کا ذریعہ۔ پاکستان میں بچوں کے جاسوسی ادب کے بانی اشتیاق احمد کی پہلی برسی۔ عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی 3 روزہ تقریبات بھٹ شاہ میں اختتام پذیر، زائرین نے دھمال ڈالی۔ بہاولپور کے خالد سعید نے کینوس پر رنگ بکھیرے تو شائقین کو بھا گئے، نمائش کے دوران فنپاروں نے لوگوں کے دل موہ لیے۔ اور لاہور میں میوزیکل فیشن شو، شاہد امینی کی گلوکاری، زویا نظامی کے کلاسیکل رقص اور شین کی پرفارمنس نے 4 چاند لگا دیے۔